हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल नोट्स दुनिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनवरी 2019 के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसे मलेशिया के नए सम्राट के तौर पर चुना गया, जो कुछ दिन पूर्व अप्रत्याशित रूप से अपना पद छोड़ने वाले सुल्तान मोहम्मद पंचम का स्थान लेंगे। आंसर है सुल्तान अब्दुल्ला। सुल्तान अब्दुल्ला मलेशिया के 16वें राजा होंगे। वे सुल्तान मोहम्मद पंचम का स्थान लेंगे जिन्होंने जनवरी 2019 में ही अपना पद छोड़ने की घोषणा करके पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है 78वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2018 के अनुसार भारत ने 41 अंक हासिल कर 180 देशों में 78वां स्थान हासिल किया है, जबकि वर्ष 2017 के सूचकांक में वह 40 अंक के साथ 81वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र दिवस 2019 समारोह के मुख्य अतिथि सिरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति हैं? आंसर है दक्षिण अफ्रीका। राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति रामाफोसा की यह पहली यात्रा है। पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के बाद गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने वाले वे दक्षिण अफ्रीका के दूसरे राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित लांस नायक नजीर अहमद वानी किस राज्य से यह सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति हैं? आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। यह वर्ल्ड कप कहां खेला जाएगा? आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। पहली बार पुरुष और महिला टूर्नामेंट एक ही वर्ष ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे। महिला T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट 21 फरवरी से शुरू होगा और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर संपन्न होगा। पुरुषों की प्रतियोगिता 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के PSLV-C44 रॉकेट ने 24 जनवरी 2019 की देर रात कौन सा सैन्य उपग्रह पृथ्वी की अपेक्षित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया? आंसर है माइक्रोसेट आर। माइक्रोसेट आर ऐसा पहला भारतीय उपग्रह है जिसे इसरो ने मात्र 274 किलोमीटर ऊंचाई की निचली कक्षा में स्थापित किया है। श्रीहरिकोटा से किए गए इस प्रक्षेपण से एक छात्र उपग्रह यानी स्टूडेंट सैटेलाइट कलाम सेट का सफल प्रक्षेपण भी किया गया। मात्र 1.26 किलोग्राम वजन वाले इस अत्यंत हल्के उपग्रह का निर्माण स्पेस किड्स इंडिया द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग नॉनमेश सूचकांक यानी ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत पहली बार शामिल हुआ। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर है 54वां स्थान। वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कई आर्थिक सुधारों की वजह से भारत इस सूचकांक में पहली बार शामिल हुआ। इस सूचकांक में लगातार 6वीं बार दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया है? आंसर है दांडी गुजरात। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दांडी में 110 करोड़ रुपए के खर्च से 15 एकड़ में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का निर्माण किया गया है। गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
30 जनवरी को इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में पुरुष एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब जीता है? आंसर है नोवाक जोकोविच। यह साल में खेले जाने वाले 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में से एक है। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में राफेल नडाल को हराया। इसी के साथ रिकॉर्ड 7 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब जीता? आंसर है नाओमी ओसाका। जापान की नाओमी ओसाका ने फाइनल में चेक गणराज्य की पेट्रो क्वितोवा को पराजित कर यह खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? आंसर है प्रणव मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनके अलावा प्रसिद्ध असमिया गायक भूपेन हजारिका तथा भारतीय जनसंघ के नेता व सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म पुरस्कार 2019 घोषित किए गए, जिनमें कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण के लिए चुना गया? आंसर है 4। पहले है बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे कला के क्षेत्र में, दूसरा है तीजन बाई कला के क्षेत्र में, तीसरा है अनिल मणिभाई नायक व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में और चौथा है इस्माइल उमर गुएलहर पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुल 112 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। इस बार 4 को पद्म विभूषण, 14 को पद्म भूषण और 94 को पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। कुल 112 लोगों की सूची में 21 महिलाएं और 11 विदेशी और एनआरआई है। 3 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त करने वाले और 1 ट्रांसजेंडर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब जीता है? आंसर है साइना नेहवाल। फाइनल में उन्होंने 3 बार की विश्व चैंपियन स्पेन की कैरोलिना मारिन को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यश बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी MD व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO का पद संभाल लिया है? आंसर है रवनीत सिंह गिल। वे यस बैंक में राणा कपूर का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कृष्णा सोबती का निधन हुआ है, वह कौन थी? आंसर है लेखिका। 25 जनवरी 2019 को प्रसिद्ध हिंदी लेखिका कृष्णा सोबती का निधन हुआ। वे 93 वर्ष की थी। उन्होंने 1980 में जिंदगी नामा उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। वर्ष 2017 में भारतीय साहित्य में योगदान देने के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस व्यक्ति के नाम पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की है? आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के द्वारा उन व्यक्तियों तथा संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने आपदा प्रबंधन में देश में बेहतरीन कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर है NDRF की 8वीं बटालियन को। इसकी घोषणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी 23 जनवरी के अवसर पर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2017 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? आंसर है सितांशु यशस चंद्र को। गुजरात के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं पद्मश्री से सम्मानित
सितांशु यशस चंद्र को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। केके बिरला फाउंडेशन द्वारा यशस चंद्र को उनके काव्य संग्रह वखार के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? आंसर है नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले के परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन 23 जनवरी 2019 को नेताजी की 122वीं जयंती के अवसर पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2018 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर है विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को 3 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों से नवाजा है। विराट कोहली को आईसीसी अवार्ड्स में क्रिकेट ऑफ द ईयर, आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर और आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी WSA रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना है? आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित की जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है? आंसर है नर्तकी नटराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला सिविल जज यानी न्यायाधीश बनी है? आंसर है सुमन कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ भारत यात्रा के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? आंसर है तमिलनाडु। यह यात्रा लोगों को सुरक्षित भोजन खाने और स्वस्थ रहने के बारे में जागरूक करने के लिए निकाली गई थी। यह अभियान पिछले साल 16 अक्टूबर को शुरू किया गया था, जिसमें तमिलनाडु को अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। स्वस्थ भारत यात्रा 100 दिन का कार्यक्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2018 चुना? आंसर है नारी शक्ति। इसकी घोषणा हाल ही में जयपुर साहित्य उत्सव में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ट्रेन का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है? आंसर है ट्रेन 18 का। यह रेलगाड़ी दिल्ली से वाराणसी के बीच चलेगी। 16 कोच वाली इस रेलगाड़ी का निर्माण भारत में ही पूर्ण रूप से भारतीय इंजीनियरों द्वारा किया गया है। यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बना है? आंसर है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI प्रोग्राम को बीटेक में शुरू करने वाला देश का पहला और विश्व का तीसरा संस्थान बन गया है। यह कोर्स अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर हाल ही में वर्ष 2020 हेतु विश्व की पहली वास्तुकला की वैश्विक राजधानी घोषित किया गया है? आंसर है रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में प्रथम शेख सोद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है? आंसर है CNR राव। भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध वैज्ञानिक CNR राव को प्रथम शेख सोद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की संस्था सेंटर फॉर एडवांस मटेरियल द्वारा उन्हें यह पुरस्कार मटेरियल रिसर्च के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में स्वीडन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? आंसर है स्टीफन लोफेन। स्टीफन लोफेन को दूसरी अवधि के लिए स्वीडन का प्रधानमंत्री चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मनोनीत की जाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? आंसर है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने लंबे समय से चोट के बाद वापसी करते हुए राष्ट्रमंडल खेल तथा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के 7 ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों तथा 7 महाद्वीपों में 7 सबसे ऊंचे पर्वतों की चढ़ाई करने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही कौन बने? आंसर है सत्य स्वरूप सिद्धांत। कलकत्ता के 35 वर्षीय युवा पर्वतारोही सत्य स्वरूप सिद्धांत विश्व के 7 सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों तथा 7 महाद्वीपों में 7 सबसे ऊंचे पर्वतों की चढ़ाई करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला मानवाधिकार टीवी चैनल किस शहर में शुरू किया गया? आंसर है लंदन। हाल ही में मानवाधिकार को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल लंदन में इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी IOHR द्वारा शुरू किया गया। इस चैनल का उद्देश्य मानवाधिकार की उन छुपी हुई कहानियों को लोगों के सामने लाना है जिसे मेनस्ट्रीम मीडिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसने जीता? आंसर है योहेई सासाकावा ने। यह पुरस्कार 2015, 2016, 2017 तथा 2018 के लिए घोषित किए गए। अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की विजेता है 2015 के हैं कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र, 2016 के हैं अक्षय पात्र फाउंडेशन तथा सुलभ इंटरनेशनल, 2017 के हैं एकल अभियान ट्रस्ट और 2018 के हैं योहेई सासाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन बना? आंसर है अभिनव शो। अभिनव शो ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। वे खेलो इंडिया गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। उनकी आयु मात्र 10 वर्ष है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड न्यू यूजर सब्सक्राइब कीजिए।